Okay, then we will continue with our topic, that is data pre-processing. So today, first of all, we will start with what is data integration. So data integration is also one of the steps that we do in our data pre-processing. Data integration means that jo data hum log ikattha kar rahe hain, जो डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ट्रांसैक्शनल सोर्सेज और फाइल्स, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट. सो देयर इज अ नीड टू परफॉर्म द स्कीमा इंटीग्रेशन बिफोर वी आर एबल टू पुट दैट डेटा इनटू द डेटा वेयरहाउस. नाउ व्हाट इज स्कीमा इंटीग्रेशन? कंसीडर फॉर एग्जांपल दैट कस्टमर आईडी नंबर इन वन सोर्स हम लोग इसको सेव करते हैं यूजिंग द एट्रीब्यूट नेम कस्ट आईडी, और दूसरे सोर्स में हम लोग इसको स्टोर करते हैं एज अ कस्ट कोड. सो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दोनों सोर्सेज से हमने डेटा को सेव करना है. तो एक सोर्स में यानी एक सॉफ्टवेयर में कस्टमर आईडी को कस्ट आईडी से सेव करते हैं और दूसरे में कस्ट कोड से सेव करते हैं. तो व्हाट इज द नीड? वी नीड टू इंटीग्रेट यहाँ से डेटा को उठाकर, जिस तरह से भी हम लोग एंट्री करते हैं, जिस तरह से भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो हमें उसको इंटीग्रेट करके इनटू अ सिंगल सोर्स सेव करना पड़ेगा. दूसरा बड़ा चैलेंज इन डेटा इंटीग्रेशन इज रिडंडेंसी. वी हैव टू रिमूव द रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटा. The next step is data transformation. Now, data which is available from the different transactional sources, जो अलग अलग transactional sources हैं, जो data वहाँ पर available है, हम लोग उसको directly use नहीं कर सकते हैं हमारे mining के लिए, यानी knowledge drive करने के लिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? Data को clean करना पड़ेगा, consistent करना पड़ेगा और integrate करना पड़ेगा. So what's all these things together known as data transformation? So how do we perform the data transformation? The first step is normalization. Now, what do we understand by normalization? Generally, what happens is कि जब हम लोग data को उठाते हैं तो बहुत सारी different values होती हैं. जब इतनी सारी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको एनालाइज करना. तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं. जैसे उसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी जीरो एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी वन. सो विच मीन्स कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो जीरो और वन के बीच में ही होगी. इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, माइनस वन से लेके पॉजिटिव. So normalize हम लोग क्यों करते हैं? So that we can have a limited number of values. For example, अगर किसी की minimum value zero है और highest value let's say 300 million है, तो 300 million will be considered as one. The next is known as smoothing. Smoothing का मतलब क्या है? अपने data में से noise को या error को remove करना. We have already discussed three techniques called binning, clustering, and regression. These three techniques can be used to remove the noise. ये तीनों techniques data में से noise या error को remove करने के लिए use की जा सकती है. Next is very important. It is known as aggregation. Now, generally what happens is कि हम लोग जब transactional data को save करते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस डे टू डे बेसिस पर आती हैं हम लोग उसको सेव करते रहते हैं. और जब हमसे कोई टोटल मांगता है तो व्हाट वी डू इज एवरेज या टोटल को ऑन द स्पॉट जब हमारे पास क्यूरी आती है तो हम लोग उसको कंप्यूट करते हैं. तो नेचुरली इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. सो व्हाट हैपेंस विद दिस एग्रीगेशन इज that while we extract the data, जब हम data को extract करते हैं, जैसे sales को extract करते हैं, तो हम लोग साथ साथ में उसकी aggregation भी करते रहते हैं. जैसे monthly sales का total कितना है, area wise sales का total कितना है,
department wise ya team wise kitna total hai. So what happens is when an ad hoc query aati hai ki hame bataiye ki is area ki monthly sale kitni hai, to hum log kyunki usko pehle se hi pre compute kiya hua hai to hum log uska response bahut jaldi de dete. The next is generalization. Now what do we refer to generalization is, जर्नलाइजेशन में हम लोग कैटेगोरिकली डेटा को सेव कर लेते हैं कंटिन्यूस की जगह. सो लाइक आई सेड देयर आर सो मेनी वैल्यूज. तो जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. वी कैन गिव इट न्यूमेरिकल ऑल्सो एंड हम लोग इसको कैटेगोरिकल भी ले जा सकते हैं, जैसे बैड, एवरेज एंड गुड. सिमिलरली फॉर सैलरी वी कैन हैव हायर, लो, मीडियम. So this is generalization of the data. The next and the most important one is called data reduction. What is data reduction? Kai baar kya hota hai ki data itna zyada hota hai ki hame sare ke sare data ki ya sare ke sare attributes ki zarurat nahi hai analysis perform karne ke liye. So what we do is we reduce the data so that effective analysis can be performed. अब डेटा को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं. जैसे आपके टेबल के अंदर लेट अस सपोज दैट देयर आर 32 एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी नंबर ऑफ कॉलम्स को रिड्यूस कर सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. दूसरा तरीका क्या है कि आपके डेटा या टेबल के अंदर लेट से 1 करोड़ एंट्रीज हैं, तो उसमें से हम लोग 20 लाख एंट्रीज या 30 लाख एंट्रीज कम कर देते हैं. तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कैन बी रिड्यूस्ड और द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी रिड्यूस्ड. डेटा रिडक्शन मेथड्स आर लाइक डेटा क्यूब एग्रीगेशन. सो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा क्यूब. Aggregation operations are applied to the data by constructing a data queue. What is a data queue? That you will see in the next slide. So we will see how the aggregation can be done and what is a data queue. One is attribute subset selection. Like I said, ki agar aapke table ke andar 32 एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम लोग उसमें से इररेलेवेंट जो हमारे एनालिसिस के काम नहीं आएंगे उन एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर सकते हैं. जैसे किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, अगर ये हमारे एनालिसिस में यूजफुल नहीं है तो हम लोग उनको रिमूव कर सकते हैं. वेल द नेक्स्ट इज डायमेंशन रिडक्शंस. व्हाट इज डायमेंशन रिडक्शंस? Encoding mechanisms are used to reduce the data set size. Yani size ko reduce karna hai. Reduction in the size, there are number of methods that are available. For example, wavelet transformation and PCA, which stands for principal component analysis. So we are basically not going to go into these methods, but dimension reduction basically means reducing the number of attributes again. Numerosity reduction. The data are replaced or estimated by alternative smaller data representations. Regressions, non-linear models, non-parametric methods such as clusters or histograms. Hum data ko as a table nahi, lekin as an analysis, as a picture, as a graph save karke rakh lete hain. So these help us in reducing the amount of data. The next is concept hierarchy generalization. We have already seen this example. Jaisa maine bataya tha, low, high, medium, good, bad. So what happens is that the concept hierarchy generation, for example, agar aapka ek store hai, to aap start karte hain ki top mein aapka store hai, electronics ho sakte hain uske niche aapka food ho sakta hai, uske niche dusri items ho sakte hain. इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे मोबाइल्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं या दूसरी चीज हो सकती है. दिस इज कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन. दिस आल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा और द डैमेज.
Students, we are moving towards the most important topic of your data warehousing and mining. ये सबसे important topic है. जो भी हमने अभी तक किया है, उसमें आपको सबसे पहला technical topic जो समझ में आना चाहिए, वो है कि what is the difference between OLTP and OLAP. So you can please note down that OLTP stands for online transaction processing. And OLAP stands for online analytical process. जो आप डे टू डे रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जैसे आपने एक बुक इशू कराई, आपने एक बुक रिटर्न की, आपने अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाया, तो एक एंट्री होती है. तो जहां पर ट्रांसैक्शंस हो रही हैं, डे टू डे ट्रांसैक्शंस हो रही हैं, दैट इज मेंटेन्ड बाय OLTP. It stands for online transaction process. जब वो डेटा हम लोग डेटा वेयर हाउस के अंदर उसको ले जाते हैं और उसको रेडी कर देते हैं एनालिसिस के लिए, तो दैट डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट इज नोन एज OLAP. जो मॉडलिंग हम लोग उसमें यूज करने वाले हैं, हम लोग उसको OLAP बोलते हैं. दैट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस. So please see OLTP क्या है. OLTP acts as the source for providing data. OLTP से हमें data मिलता है analysis के लिए. Whereas the data warehouse uses the OLAP model to analyze the data. So OLTP is used to extract the data and OLAP is used to analyze the data. So let's have a look at, first of all, some of the differences between OLTP and OLAP. Then we will move towards the other topics. OLTP are the original source of data. Means the actual data from where the extraction takes place. Yani originally the data is stored using the OLTP. Whereas the OLAP, it gets its data from various OLTP. तो OLTP is the original source of data और OLAP को अपना data कहाँ से मिलता है? OLTP databases से, यानी original database से मिलता है. Next is OLTP design करते समय हम किस चीज को दिमाग में रखते हैं? So that we can control and run the fundamental business tasks. Basically जो day to day transactions चल रही हैं, उनको manage करने के लिए हम लोग OLTP बनाते हैं. Whereas OLAP क्यों यूज करते हैं? फॉर प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर डेटा को डे टू डे डेटा कैसे आएगा, कैसे सेव करना, ये हमारे माइंड में नहीं है. प्लान करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिसीजन देना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग एन OLAP. नेक्स्ट, OLTP के में जो सेव किया जाता है वो सिर्फ करंट बिजनेस डेटा को सेव किया जाता है. जैसे डे टू डे ट्रांसैक्शंस हो रही है, तो उसके पास उस दिन में होने वाली ट्रांसैक्शंस ही होगी. Whereas OLAP में क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल व्यू हमें मिलता है बिजनेस एक्टिविटीज का. सो हिस्टोरिकल डेटा भी इसके अंदर पड़ा होता है. आप डेटा को कैसे एनालाइज करना चाहते हैं, कौन से व्यू से एनालाइज करना चाहते हैं, द डेटा इज अवेलेबल इन द OLAP. देन इट इन्वॉल्व्स हाई frequency of short and fast insert update operations. High frequency, I hope आप लोगों को पता है high frequency किसे कहते हैं. High frequency का मतलब है बहुत सारी transactions जिनके बीच में gap almost zero होता है. So for example, एक mobile company में एक दिन में कितनी calls होती होंगी? Billions of calls. तो अगर 24 घंटे में billions of calls हो रही हैं, तो एक ही time पर multiple calls भी चल रही हैं. So that means high frequency, बहुत सारी calls हो रही हैं within a specified time. और जहां तक OLAP है, क्योंकि हमें data चाहिए analysis के लिए, तो इसमें long running batch jobs होते हैं. Frequency बहुत कम होती है, frequency ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो हमें data चाहिए, जब हम लोग उसकी query लिखते हैं, जैसे give me the number of you can say products returned within this period of time due to this fault, so it takes a long and a lot of time to retrieve the data.
तो नंबर ऑफ क्यूरीज कितनी होती है? बहुत ही लिमिटेड नंबर. तो जो आपका OLTP है, इट डील्स विद शॉर्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, वेयर एज द OLAP इट डील्स विद लॉन्ग एंड लो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा. नेक्स्ट इज क्यूरीज यूज्ड इन OLTP आर रिलेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड. मतलब क्या है कि जब हम OLTP बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्यूरी आ सकती है ये हमें पहले से ही पता है. बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्यूरीज होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं. जहां तक OLAP की बात है उसमें एडहॉक क्यूरीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंड एडहॉक क्यूरीज. मतलब आपको कुछ नहीं मालूम है कि आपका जो मैनेजर है वो आपसे किस तरह का डेटा मांग सकता है. So basically they are not standard, they are complex and ad hoc in nature. क्योंकि OLTP में सिर्फ करंट डेटा ही सेव किया जाता है और बाकी का डेटा जो है वो बैकअप करके डेटा वेयर हाउस में सेव किया जाता है, विच मीन्स दैट द स्टोरेज रिक्वायरमेंट इज वेरी मिनिमल. वाई द स्टोरेज रिक्वायरमेंट इज वेरी मिनिमल? बिकॉज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड. हमने तो सिर्फ करंट डेटा सेव करना है. जहां तक OLAP की बात है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट इज एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा, क्योंकि सारा का सारा डेटा आज तक का इसमें सेव किया जाता है. सो डू वी हैव नॉर्मलाइज्ड और डीनॉर्मलाइज्ड और अननॉर्मलाइज्ड डेटा? OLTP में हाईली नॉर्मलाइज्ड डेटा मॉडल यूज किए जाते हैं. जहां तक OLAP की बात है उसमें डीनॉर्मलाइज्ड ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं. तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन OLTP एंड OLAP आर क्लियर. इसमें डेटा आता कहाँ से है, ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसका स्नैपशॉट सिर्फ करंट बिजनेस डेटा को लेकर होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, क्यूरीज रिलेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, स्टोरेज रिक्वायरमेंट मिनिमल होती है और इट इज नॉर्मलाइज्ड. So the opposite is the OLAP. So if you now what is the OLAP cube? An OLAP cube refers to a data structure. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि OLAP cube है क्या. OLAP cube एक data structure है. जैसे कि आप array use करते हैं, linked list use करते हैं, tree use करते हैं, उसी तरह से एक OLAP cube जो होता है वो भी एक data structure होता है. I hope क्यूब से आप समझ सकते हैं कि एक क्यूब जो होता है उसकी तीन डायमेंशंस होते हैं, हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ. तो व्हाई वी यूज द OLAP क्यूब डेटा स्ट्रक्चर? बिकॉज इट अलाउज फास्ट एनालिसिस ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू मल्टीपल डायमेंशन. सो हम लोग OLAP क्यूब यूज क्यों करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू परफॉर्म, हम लोग फास्ट एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल डायमेंशन. And OLAP cube is optimized for data warehousing and OLAP applications. So basically हम लोग इसको OLAP applications के लिए use करते हैं. तो हम लोग करते क्या हैं? OLAP cubes are often pre-summarized across dimensions. Pre-summarized मैंने आपको इसका example पहले भी दिया है. जैसे कि aggregation कर लेना, total निकाल लेना, जैसे monthly sale का total निकाल लेना, area wise टोटल निकाल लेना, टीम वाइज टोटल निकाल लेना, ये सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? OLAP. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द OLAP क्यूब. आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन. इस OLAP क्यूब में आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन डायमेंशन है. एक तो है प्रोडक्ट्स, हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? LED TV, म्यूजिक प्लेयर, लैपटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज PC. दूसरी डायमेंशन क्या है कि कौन कौन से एरियाज की हम लोग बात कर रहे हैं, ईस्ट की, वेस्ट की, सेंट्रल की और साउथ की. और तीसरी डायमेंशन हमारी क्या है? ईयर वाइज 1998, 1999 एंड 2000. ये आप अगर ब्लू बॉक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक दिया हुआ है, यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स हाईलाइट किया गया है. अगर आप इस ब्लू बॉक्स की तीन डायमेंशन देखें तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1999 में व्हाट वाज द सेल ऑफ द पीसीज इन द ईस्ट रीजन. तो ये जो ब्लॉक है
ये हमें ये बता रहा है कि व्हाट इज द सेल ऑफ द पीसी इन द ईयर 1999 इन द ईस्ट ब्लॉक। अगर हम इन तीनों ब्लॉक्स की ऊपर वाले की बात करते हैं तो ये हमें बताता है व्हाट इज द सेल ऑफ द पीसी इन ऑल द ईयर्स फॉर द ईस्ट रीजन। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं डेटा को। तो बेसिकली ये क्यूब, अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो इस एग्जांपल में क्लियर है कि तीन तरह के डायमेंशंस हैं। एक तो है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एरिया है और कौन से साल। तो हम लोग सिर्फ डेटा को सेव करके नहीं रखते हैं, हम लोग इसकी एग्रीगेशंस भी निकाल लेते हैं। एग्रीगेशंस इसलिए निकाल लेते हैं ताकि हम लोग डेटा के ऊपर जो है इजीली और फास्ट डेटा एनालिसिस कर सकें। सो नाउ वी मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज ओलैप ऑपरेशंस। लेट अस नॉट डू द ओलैप ऑपरेशंस टुडे। वी विल